इतना परेशान क्यों है दीदी? अरे क्या बताऊं दीदी, मेरी सहेली की बेटी को है ना खसरा हो गया, मैं उसी को देखने जा रही हूँ। क्या आप गीता देवी का सहेली हैं? हाँ दीदी, हम गीता देवी के ही सहेली हैं। हाँ, तो उस बच्चा को हमें एलिन दीदी से सुई दिलवाए हैं, वो बच्चा ठीक हो गया है। हाँ दीदी, अब वो ठीक है, मैं उसी को देखने जा रही थी। दीदी ये कैसे पता चले कि बच्चे को हमें कब कौन सा सुई दिलवाना चाहिए? दीदी चलिए स्वास्थ्य केंद्र पर, हम एलएम दीदी से मिलवाएंगे और उनको सारी बात सुई कैसे पड़ता है, कौन टीका कौन सी माह में पड़ता है, वो जानकारी देंगे। ठीक है दीदी, चलिए। तो चलिए काट दीजिए। आपके बच्चा का नाम क्या हुआ? बंटी। कहाँ बच्चा जन्मा है? डोभी हॉस्पिटल में। तो वहाँ पर BCG का सुई लग गया है आपको? हाँ। और जीरो हेपेटाइटिस पर पड़ गया है, OP भी जीरो पड़ गया है। हाँ। 1.5 माह हो गया है आपका बच्चा के। अब इसको लगेगा DPT फर्स्ट डोज, OP भी फर्स्ट डोज और हेपेटाइटिस फर्स्ट। सोया हुआ है बच्चा? जंग पकड़ो तो ऐसा उसका बच्चा के। जन्म के 1.5 माह के अंदर यह डोज बच्चे को दी जाती है, जो कि है DPT1, OP1, Hepatitis B1 और साथ ही साथ खसरा की खुराक भी दी जाती है। यह TB लकवा के अलावा बच्चे को काली खांसी, गलघोंटू और टेटनस से सुरक्षा देता है। किस बीमारी से कौन सुइया बचाव के लिए पड़ा से आपको समझा दिए। अब अगला बार आप कार्ड इसी जगह, आज डेट देखिए 3/9/14 के, आप इसी जगह पड़ेगा अगला माह में 9वां महीना। और कार्ड के ले जाके अच्छा से रख दीजिएगा, इन कि बिग ना दीजिएगा, अच्छा से जैसे कपड़ा रखते हैं, पैसा रखते हैं, उस तरह आप रख दीजिएगा, ठीक ना? दूसरा टीका ठीक से बचा के रखिए, दूध अभी नहीं पिलाइएगा, सुई देंगे, कट दीजिए। देखिए हल्का हल्का खांसी उसी है। हाँ। उसे कोई दिक्कत ना होगा, ले लीजिए आप। और हल्का सा ऐसे भी इसको ऊपर चढ़ाइए। हँसा इस हँसा नहीं निकल जाता रहा। ए ऐसा पकड़ो पकड़ो तो। हाथ हटाइए, पैर वहाँ आप हाथ हटाइए ना जी। बच्चे के 2.5 माह के होने पर DPT2, OP2 और Hepatitis B2 का टीका दिया जाता है। यह पिछले टीकों का ही बूस्टर डोज है। देखिए आपको सेकंड डोज सुइया पड़ गया है 2.5 माह वाला है। आपको अगला माह में 3/9 के 3/9/14 के पड़ेगा थर्ड डोज इसी जगह। और कार्ड को अच्छा से लेके आना है फिर, ठीक ना? अच्छा से रख दीजिएगा और दवा 5 भाग करके खिला दीजिएगा सुबह शाम। ठीक, जाइए 10 मिनट 15 मिनट बैठ, 15 मिनट बैठ जाइएगा वहाँ पर छाँव में, तब जाइएगा। तीसरा टीका नंबर में चढ़ाइए इसका। बच्चा की तबीयत खराब तो ना है?
बुखार तो लग रहा है, सुई दवाई कराए हैं। कहना कराए हैं, कहना से बुखार लगा है। दो तीन दिन हो गए, चार पांच दिन हो गए दवा करा के लगा। से बुखार ना है, बहुत गर्मी से पसीना से भींजल है बच्चा। दवा दे रहे हैं? दवा तो दे रहे हैं। तो कह कीजिएगा अगला माह में ले लीजिएगा, जब बीमार है बच्चा तो फिर देने में दिक्कत, और इसे और दर्द बुखार थोड़ा हल्का सा होता है। तो बात है, ये बच्चा ठीक हो जाएगा तब पड़ेगा। साढ़े तीन माह के होने पर खसरा की एक खुराक और विटामिन ए की दवा आधा चम्मच दी जाती है। ये बाकी बीमारियों के साथ साथ चेचक और रतौंधी से सुरक्षा देती है। चौथा टीका। बच्चा का नाम क्या है? रिशुराज। इनको 9 माह पूरा हो गया है, तो 10वां माह 4-1 सप्ताह गया, तो इसको पड़ेगा जेई का सुई, जापानी इन्फ्लाइटिस बचाव के लिए, और मिजिल्स का सुई पड़ेगा, विटामिन ए पड़ेगा। मिजिल्स से बचाव के लिए पड़ा। आपको 9 महीना वाला दे दिए ना, तब अब आपको 16 माह होता ना बच्चा के, तब आइएगा। आखिरी टीका। देखिए आपको 16 माह से 24 माह में DPT बूस्टर, OPV बूस्टर और मिजिल्स बूस्टर, JE बूस्टर पड़ता है। तो आपको बच्चा के 16 माह हो गया है, इसलिए तीनों का बूस्टर पड़ेगा, OPV, DPT और JE, मिजिल्स। इसको बच्चा को ठीक से रखे। छोटा बच्चा इतना बर्दाश्त कर रही है? नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसके लिए हम दवा दे देंगे। दाहिना हाथ में लगे तो बाबू बाबू मिजिल्स जो होता है ना, छोटा छोटा फुलसी जैसा, उसके बचाव के लिए है। 16 से 24 माह के बीच DPT बूस्टर 1, खसरा 2, पोलियो बूस्टर 1 और JE2 की खुराक दी जाती है। इसको देखिए, हल्का दर्द बुखार होगा ना, तो इसके लिए 4 भाग करके, 1 भाग आज शाम में दे दीजिएगा, कल सुबह शाम, परसों सुबह दे दीजिएगा। कार्ड आपका मतलब सब सुइया पूरा हो गया है, अच्छा से कार्ड रख दीजिएगा, ये नहीं कि सुइया पड़ गया तो इसको बिग नहीं दीजिएगा, ठीक ना, अच्छा से रख दीजिएगा। कोई आएगा तो बच्चा के पूछेगा कि आपका बच्चा के सब सुई पड़ा हुआ है या ना, तो आप इस कार्ड को दिखाइएगा ना कि हाँ पड़ा हुआ है, कार्ड बिगेगा नहीं, अच्छा से रख दीजिएगा। सभी दीदी सुन लीजिए, जच्चे बच्चे अपने कार्ड अपने पास रखिए, और जहाँ भी टीका हो वहाँ समय पे आप टीका दिला लीजिए, और 8 जनलेवा बीमारियों से बचाव कीजिए।